नमस्कार, मैं शांतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ शॉस किचन में। तो आज का रेसिपी का नाम है नवाबी पनीर। आप नाम से ही समझ सकते हैं ये बहुत रिच फूड होता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा लाइट वेट में बनाऊंगी क्योंकि आजकल लोग ज्यादा रिच खाना उतना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं आज इसे थोड़ा सा लाइट वे में बनाऊंगी। तो रेसिपी को सीखने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और खूब सारे शेयर्स कीजिए। तो आइए देखते हैं नवाबी पनीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। नवाबी पनीर बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए जीरा, फिर यहाँ पे दो तेज पत्ता, बड़ी इलायची, फिर काजू, मैंने ये एक मुट्ठी भर काजू लिया है, यहाँ पे दो तीन मिर्च ले लिया है मैंने, यहाँ पे फिर मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे फ्रेश क्रीम, मैंने घर की बनाई हुई खुद की फ्रेश क्रीम लिया है, फिर मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, प्याज ये पीसा हुआ प्याज है, ये टमाटो मैंने लिया, टमाटो एक टमाटो मैंने लिया है, और ये बॉयल टमाटो है, बॉयल करके इसको मैंने काट लिया है ये है। और मसाले में हमें स्पाइसेस में चाहिए, यहाँ पे है काली मिर्च, यहाँ पे एक मैंने खुद का घर का बनाया हुआ ये मसाला है, इसमें है धनिया, जीरा, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च, ये तीनों चारों को मिला के थोड़े से गैस में हल्का सा रोस्ट करके मैंने इसका पाउडर बनाया है। ये मैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है कश्मीर, यहाँ पे मैंने लिया है कस्तूरी मेथी, और यहाँ पे है दालचीनी का पाउडर, और फिर हम यहाँ पे लिए हैं हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे, पहले है यहाँ पे मिल्क, हमें एक एक कप मिल्क चाहिए, ये रूम टेम्परेचर मिल्क है, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारा यहाँ पे पनीर। पनीर को आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, यहाँ पे मैंने पनीर लिया है 200 ग्राम, जो ये पैकेट आता है वो मैंने लिया है, और दो पैकेट हमने ये लिया है 200 ग्राम की, और अभी जो आजकल जो पनीर पैकेट वाले पनीर आते हैं, आपको उस पनीर को पहले थोड़ा सा पानी बॉयल करना पड़ता है, पानी को बॉयल कर लीजिएगा, बॉयल करके उसमें थोड़ा सा नमक देके 5 मिनट उसको उस पानी में ही रखिएगा, उसके बाद फिर उसको कुक कीजिएगा। तो अब चलिए, और ये पूरी डिश जो है मैं बनाऊंगी बटर और वाइट ऑयल में, ठीक है। तो अब चलिए आज शुरू करते हैं हमारा कुकिंग। तो अब मैं यहाँ पे कुकिंग करने के लिए मैं आ गई हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले ये जो बटर है थोड़ा सा मैं ये बटर दे दूँगी, और बटर जल ना जाए तो इसीलिए मैं यहाँ पे, आप सोचोगे कि ये ब्लैक ब्लैक क्या लगा हुआ है बटर पे, कुछ नहीं, वो ब्रेड का ये लगा हुआ है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर जल ना जाए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट ऑयल दे देती हूँ। ये पूरा जो कुकिंग है ये पूरा वाइट ऑयल और बटर में ही बनेगा, ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो थोड़ा सा बटर के जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि बटर में ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा गरम जैसे ही होता है तो मैं पहले मसाले इसमें दे दूंगी। अब मसालों में क्या है ना कि जो मसाला आप पहले दीजिएगा उसका फ्लेवर पहले आएगा, तो पहले मैं यहाँ पे तेज पत्ता और फ्लेम अभी एकदम कम रखेंगे, जीरा, इलायची दो, ये सबको पहले अच्छे से थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से,
ये थोड़ा सा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो फिर हम लोग इसमें डालेंगे यहाँ पे मुट्ठी भर काजू, यहाँ पे कुछ मिर्च, ये सबको हम लोग को पेस्ट करना है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, थोड़ा सा फिर से चला लेंगे हम लोग, अच्छे से चला लेंगे थोड़ा सा, ये जैसे थोड़ा सा बनने लगे तो फिर अब हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे दो पैकेट पनीर ली हूँ 200 ग्राम की, तो यहाँ पे मेरा जो ऑनियन पेस्ट है इसका रेशियो है, मैंने 5 छोटे टमाटर, बड़े ज़्यादा बड़े टमाटर नहीं, 5 से 6 छोटे, यहाँ पे मैं जो ये ली हूँ ऑनियन ली हूँ, यहाँ पे मैंने 5 से 6 छोटे ऑनियन लिए हैं। और इसको अच्छे से मैंने मिक्सी में पहले मिक्स ये ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, मैं वो पूरा दे दूँगी इसमें। यहाँ पे मैं 200 ग्राम पनीर का पैकेट ली हूँ 2, इसीलिए मेरा ऑनियन का रेशियो इतना है, आप अपने हिसाब से रेशियो ले सकते हैं। इसको भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये जब ग्राइंड में वापस मिक्स होना ही है तो ऑनियन को पहले से क्यों मैंने ये कर दिया, मिक्स कर दिया, इसलिए मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला लिया है अच्छे से, क्योंकि अच्छी फाइन इसकी ग्रेवी बनेगी, इसलिए मैंने इसे अच्छे से पहले मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला लिया है। अब ये थोड़ा सा जैसे ही भुनने लगेगा, थोड़ा सा ऑनियन अपना रंग बदलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको फ्राई होने देंगे, तब हम लोग यहाँ पे ये जो टमाटो मैंने कट करके रखा था, ये टमाटो को हम लोग दे देंगे, ये टमाटो हम दे देंगे, ये भी, ये मैंने, आप जब भी कुछ भी इस तरह का रिच ग्रेवी बना रहे हो तो प्लीज़ टमाटो को पहले गर्म पानी में बॉईल कर लीजिए, उससे उसका फ्लेवर ग्रेवी में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद ये थोड़ा सा जैसे आप देख रहे हो कि गर्म हो रहा है, भुन रहा है, उस वक्त हम लोग यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हम लोग यहाँ पे दे देंगे। अब ये थोड़ा सा मसाला जैसे ही भुन जाता है इसको ठंडा करेंगे, इस मसाले को ठंडा करके हम लोग पीस के इसको फिर आपके सामने मैं आ रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे मसाले मेरे फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं ये गैस यहाँ पे बंद करूँगी और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा इसको पेस्ट कर लूँगी। मैं पेस्ट करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये जो मैंने पेस्ट आप लोग को दिखाया था फ्राई करके, मैंने जो आप लोग को दिखाया था वही है, उसी को मैंने अच्छे से मिक्सी में उसको पहले ठंडा किया मैंने, ये जो काजू ऑनियन और भी जो भी मैंने दिया था सबको पहले अच्छे से मैंने उसको पहले ठंडा किया, ठंडा करके फिर मैं मिक्सी में अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसे अच्छे से छन्नी में लेके अच्छे से थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको अच्छे से मैंने छान लिया है। छान के अब ये मेरा ग्रेवी, समझिए यही मेरा ग्रेवी का काम करेगा, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इस रेसिपी में। तो अब शुरू करते हैं आगे कुकिंग। 2 टेबल्स के इतना हम लोग यहाँ पे वाइट ऑयल ले लेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला है ये पूरा रेसिपी हम लोग बटर और ऑयल पे, वाइट ऑयल पे बनाएंगे। ये मैंने ले लिया 2 टेबल्स ऑयल और थोड़ा सा मैं इसमें बटर मिला दूँगी, बटर जले नहीं, आप लोग पहले सबसे पहले आप चाहें तो इसी टाइम थोड़ा सा, आप चाहें तो इसी टाइम पे थोड़ा
थोड़ा सा पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं, बट मुझे पनीर को फ्राई करना नहीं है, मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा ये गर्म हो गया है, मैं इस वक्त ये जो मैंने ये बनाया है पेस्ट, इसे मैं आराम से धीरे से दे दूँगी। इस वक्त आपका फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। अच्छे से हम लोग मिला देंगे, थोड़ा सा फ्लेम हाई करके, फ्लेम थोड़ा सा हाई करके इसे अच्छे से हम लोग मिलाएंगे। एक उबाल आने का हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। एक बॉयल जैसे ही इसमें आएगा तब हमें और भी बेसिक जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक बॉयल का बस मैं वेट कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे और यहाँ पे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं यहाँ पे अभी दे रही हूँ। ये मैंने दिया मिक्स्ड, मैंने जो आपको बताया था, धनिया, जीरा, सूखा मिर्च, इसका पाउडर 2 टेबल स्पून की तरह मैंने दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हम लोग यहाँ पे गरम मसाला पाउडर देंगे, एकदम थोड़ा सा ही दिया मैंने। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, ये शाही डिश है, आप यहाँ पे ब्लैक पेपर, फिर वाइट पेपर आता है, वाइट पेपर पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो मैं यहाँ पे अभी ब्लैक पेपर पाउडर 2 टेबल स्पून के तरह यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ये पाउडर मैं थोड़ा सा दे रही हूँ, इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहो तो इसमें और थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो, मेरे पास अभी इतना ही था तो मैंने अभी इसको इतना ही दिया। और इसको अच्छे से अब हम लोग मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग को बोलना है कि यहाँ पे आप चाहो तो इसमें इस वक्त दही अच्छे से फेंट के दे सकते हो, बट मैंने यहाँ पर टमाटर यूज़ किया है तो टमाटर के चलते मैं यहाँ पे अब दही यूज़ कर नहीं रही हूँ। आप चाहो तो या तो टमाटर या तो दही यूज़ कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा टैंगीनेस जिससे आएगी, थोड़ी खटास भी रहेगी, थोड़ा सा और रिच हो जाएगा, तो आप उस वक्त यहाँ पे दे सकते हो। अब ये थोड़ा सा बॉयल हो गया है, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम को और लो कर दी हूँ। अब यहाँ पे मुझे ग्रेवी के लिए मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पनीर है इसको, अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा नमक, और मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, एक्चुअली ये वाइट ग्रेवी में बन रहा है तो इसलिए इसे फ्राई नहीं होता है, फ्राई करते नहीं हम लोग, वाइट ग्रेवी वाले पनीर की जो रेसिपी बनती है ये ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर मिला दिया है और थोड़ा सा नमक से अच्छे से मैंने इसे मिला दिया है। और ये मैं पनीर, अब इसमें पनीर के छोटे छोटे पीसेस इसमें अब मैं डाल दूँगी, ऐसे करके सारे पनीर के छोटे पीसेस मैं यहाँ पे डाल दूँगी। 2-3 पनीर मैं यहाँ पे बस छोड़ रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी इसका मैं लास्ट में यूज़ करूँगी, बाकी के मैंने सारे यहाँ पे दे दिया है। अब अभी तक मैंने यहाँ पे सॉल्ट नहीं दिया है, अब टाइम है यहाँ पे सॉल्ट देने का, तो अब मैं यहाँ पे सॉल्ट दूँगी। सॉल्ट आप पर है, सॉल्ट आप कितना यूज़ करते हैं, ये स्वाद अनुसार नमक हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ मैंने पहले भी पनीर में भी दिया था मिक्स करते वक्त मैंने पनीर पे दिया था, इसीलिए अभी मैं बस हल्का सा सॉल्ट दी हूँ। अब आप चाहो तो हमारा ये जो रेसिपी है रेडी हो चुका है, अब चाहो तो इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हो, और यदि आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा और
घना बने, तो इसके लिए आप यहाँ पे पानी के जगह दूध यूज़ करेंगे, मिल्क। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको शुरू में दिखाया था एक कप मिल्क है, तो मैं यहाँ पे आधा कप मिल्क यहाँ पे मैं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा सब ऐसे लिक्विड वाला ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही रखूँगी और इसे एक बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। इसे एक बॉईल आती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब आप देख सकते हो इतना अच्छे से यहाँ पे बॉईल आ गया है। अब आप चाहो तो इस समय आप गैस को कम करके इसी वक्त आप यहाँ पे गैस कम करके यहाँ पे आप अच्छे से क्रीम को अच्छे से फेंट लेना है। यदि घर की मलाई ले रहे हैं आप तो अच्छे से इसको फेंट लेना है। फेंट के अभी आप चाहो तो यहाँ पे बड़े दो चम्मच आप यहाँ अभी भी दे सकते हो, और यदि आप डब्बा वाला अमूल वाला यदि क्रीम यूज़ कर रहे हो तो आप भरपूर क्रीम दे सकते हो, कम से कम दो बड़े चम्मच तो दे ही सकते हो। और फिर मैं थोड़ा सा रखी हूँ, मैं थोड़ा सा सर्व कर जब करूँगी तब मैं दूँगी। इसी वक्त आप चाहो तो धनिया पत्ता भी दे सकते हो, या फिर आप चाहें तो इस वक्त आप इसे कस्तूरी मेथी से भी अच्छे से आप सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। ये मेरा रेसिपी बन गया है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नवाबी पनीर को मैंने सर्व कर दिया है। मैंने इसे गार्निश किया है थोड़ा काजू से और हरी मिर्च से, और जो मैंने पनीर के छोटे पीसेस जो रखा था उसे अच्छे से मैंने ग्रेट करके उसको ग्रेटर में ग्रेट करके मैंने यहाँ पे डाला है, गार्निश किया है और फ्रेश क्रीम से सुंदर से सजाया है। आई होप आप लोग को मेरा ये रेसिपी बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग घर पे इसको एक बार ट्राई कीजिए। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना प्लीज़ ना भूले आप लोग। और यदि मेरे से कुछ गलती हो गया हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अभी शुरू मैं अभी वीडियो बनाना शुरू ही की हूँ। आप लोग को जैसा भी लगे आप लोग मुझे लिख के बता सकते हैं। Stay safe, stay healthy and thank you.